सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है मुंबई की दीपाली भाटिया का। पोस्ट पढ़कर आपके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये पोस्ट ऐसा है कि आपका दिन बना देगा। सीरियसली, दीपाली ने जो कहानी सुनाई है वो कम कही और सुनी जाती है। ये वो कहानियां हैं जो इंसान के इंसान होने का मायना बताती हैं आपको। खुद के लिए जिए तो क्या जिए, दीपाली बताती हैं कि क्यों एक पति पत्नी जो अच्छा खासा कमाते हैं वो रोज़ दफ्तर जाने से पहले नाश्ते की टपरी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, यही बात आपके मुस्कुराने की वजह है। भाई, दीपाली भाटिया ने 2 अक्टूबर को फेसबुक पर एक पोस्ट डाला। उन्होंने लिखा, मुंबई की भागती दौड़ती दुनिया में जहां हमारे पास रुक कर सोचने के लिए वक्त नहीं है, यहां 2 ऐसे सुपर हीरो हैं जो खुद से ज़्यादा किसी और के लिए सोचते हैं। 2 अक्टूबर की सुबह हम अच्छे खाने की तलाश में कांदिवली स्टेशन के बाहर पहुंचे। हम एक छोटे से स्टॉल पर गए। यहां पोहा, उपमा, पराठे, इडली बिक रही थी। स्टॉल लगाने वाला कपल गुजराती परिवार से लग रहा था। कुछ खाने के बाद मैंने बातचीत शुरू की। पता चला कि उनका नाम अंकुश आगम शाह और अश्विनी शिनोय शाह है। मैंने उनसे पूछा कि वो इस तरह सड़क पर फूड कैसे बेच रहे हैं। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मैं बहुत खुश हुई। दीपाली ने आगे लिखा कि कपल बहुत अच्छे परिवार से हैं, दोनों MBA हैं, नौकरी करते हैं। ये कपल सुबह 4 बजे से 10 बजे तक यहाँ स्टॉल लगाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ उनके यहाँ खाना बनाने वाली अम्मा आती हैं। वो 55 साल की हैं, पति लकवे के शिकार हैं। पैसे की कमी के चलते वो अपने पति का इलाज नहीं करा पा रही थी। ऐसे में कपल ने उनकी मदद करने की सोची और कांदिवली स्टेशन के बाहर स्टॉल लगाना शुरू किया। वो यहाँ अम्मा के बनाए सामान को बेचते हैं और इस पैसे से उनकी मदद करते हैं। सुबह स्टॉल लगाते हैं, फिर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दीपाली ने लिखा कि अंकुश अगम शाह और अश्विनी शिनोय शाह जैसे लोगों को सलाम, जो कई लोगों के लिए सच्चे हीरो हैं। दीपाली ने ये पोस्ट महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर शेयर किया और 4 अक्टूबर जब तक ये खबर लिखी गई हमारे यहाँ, इस पोस्ट को करीब 20,000 लोग लाइक कर चुके हैं। 2,000 से ज़्यादा कमेंट इस पोस्ट पर आ चुके हैं। 5,500 से ज़्यादा बार इस पोस्ट को शेयर किया जा चुका है। हर कोई इस कपल की तारीफ कर रहा है, दुआएं दे रहा है। इस तरह के लोगों की कहानियाँ सामने आती रहनी चाहिए ताकि इंसानियत पर भरोसा बना रहे, आपका भी और हमारा भी। उम्मीदें बरकरार रहनी चाहिए। बाकी आपको क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में, वीडियो के बारे में, ज़रूर हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और जगह तो आप फॉलो करते ही होंगे, ये मुझे उम्मीद है। शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।